शाहरुख खान की पिछली कुछ फिल्में दिलवाले, फैन, रईस और जब हैरी मेट सेजल अपेक्षा के अनुरूप व्यवसाय नहीं कर पाई। इनमें से फैन और जब हैरी मेट सेजल तो 100 करोड़ के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई। इन असफलताओं ने किंग खान के सिंहासन को हिला दिया है। शाहरुख के स्टारडम पर सवालिया निशान लग गए हैं और उनके विरोधियों के स्वर तेज हो गए हैं। खबर है कि अपने डूबते करियर को बचाने के लिए शाहरुख अपने खास दोस्त आदित्य चोपड़ा के पास गए हैं। आदित्य चोपड़ा धूम सीरीज की चौथी फिल्म धूम 4 की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। शाहरुख से जुड़े एक सूत्र ने बताया, शाहरुख ने पिछले दिनों आदित्य से मुलाकात की और धूम सीरीज की फिल्म करने की इच्छा व्यक्त की। शाहरुख को एक ब्लॉकबस्टर की सख्त जरूरत है ताकि वे लोगों के मुंह बंद कर सकें। धूम सीरीज की तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है और शाहरुख इस सीरीज के जरिए अपने करियर को फिर से पटरी पर लाना चाहते हैं। शाहरुख इस फिल्म में निगेटिव किरदार निभाएंगे। यूं भी इस सीरीज में निगेटिव किरदार निभाने वालों को ही चर्चा मिली है। धूम में जॉन अब्राहम, धूम 2 में ऋतिक रोशन और धूम 3 में आमिर खान के किरदार ग्रे शेड्स लिए हुए थे और उन्हें ग्लैमरस तरीके से दिखाया गया था। वैसे भी शाहरुख खान ग्रे किरदारों में जमते हैं। यह भी बताया गया है कि धूम 4 में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा की छुट्टी हो सकती है, जिन्होंने धूम सीरीज की तीनों फिल्मों में काम किया था। धूम 4 को धूम रीलोडेड नाम से बनाया जा सकता है।